स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई जानदार शानदार और लाजवाब वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक यूट्यूबर बनने की सही एज क्या है, हमें हमारा यूट्यूब चैनल कब क्रिएट करना चाहिए जिससे कि हम यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म में सफल हो सके। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एज ग्रुप की। एज ग्रुप को तो जैसे माना जाए तो ऐसे कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती, पर एक YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सबसे मेहनत एज लगती है जिससे कि आप अच्छा खासा रहेंगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो 18 साल मेहनत है, क्योंकि इस एज के पहले ना तो हमारा एक अच्छा खासा एक बैंक अकाउंट होता है जिससे कि आप अपना जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सके। वो तो चलिए खैर, हम हमारे मम्मी पापा है किसी का भी एक बैंक अकाउंट लेके मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद हम लिंक करवा सकते हैं, पर तब क्या जब हमारे पास ना बैंक अकाउंट हो। फिर भी अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास नॉलेज है यूट्यूब के ऊपर चैनल खोलने की, तो फिर चैनल कैसे खोला जाए, तो ये मेरा आज का सबसे मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले बात कर लेते कि हमें यूट्यूब का चैनल कब खोलना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द माय एक्सपीरियंस, आपको अपना यूट्यूब का चैनल हमेशा आपके 10th होने के बाद ही खोलना चाहिए। 10th होने के बाद ही आपके पास सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा गोल्डन चांस रहता है कि आप यूट्यूब के ऊपर आए और अपना चैनल क्रिएट करें और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालें। क्यों, इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते 10th के पहले क्यों नहीं खोलना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके पहले ना आपको इतना अच्छा खासा नॉलेज होता है, ना आपके पास रिसोर्सेज होता है, ना आप यूट्यूब से इतना कनेक्टेड रहते हैं कि आप एक यूट्यूब चैनल खोल सके। 9th या 8th या 9th तक आपको आज की जनरेशन को कम से कम एक स्मार्टफोन तो भी मिल जाता है यूज़ करने के लिए खुद का पर्सनल, नहीं तो मॉम या डैड के पास तो आज होता ही होता है, और ये बहुत है आपके लिए एक स्मार्टफोन अगर आपको अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट करना है और यूट्यूब में सफल होना है। तो 10th के पहले तो आप मत खोलिए आपके पास, क्योंकि टाइम भी नहीं रहता, क्योंकि अगर आप 8th तक तो आपको इतना खास अच्छा खासा नॉलेज नहीं रहता। 9th में आप चालू करते हो, पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, उसके बाद 9th के बाद अगला कदम आ जाता है हमारा 10th का। तो 10th तक तो आप यूट्यूब चैनल खोलिए मत। 10th के पहले आप रिसर्च कीजिए कि यूट्यूब चैनल खोलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस है, कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है, क्या होता है गूगल एडसेंस, ये सब आपको पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ती है। और ये इन्फॉर्मेशन लाने के लिए मैं यानी आपका दोस्त अरियंत बैठा हूँ। तो जाइए, मेरे आपके लिए YouTube के ऊपर फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी खोल के रखिए, जाइए अब भी जाइए और सारे वीडियोस देख डालिए, नॉलेज से भरपूर वीडियोस है वो। और अगर आपने ये वीडियोस सारी मिस कर दी तो आप YouTube चैनल खोल के भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आपको उस चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है जिस फील्ड में हम जा रहे हैं। तो ये था 10th के पहले हमें YouTube चैनल नहीं खोलना चाहिए। अब बात करते हैं 10th के बाद हमें कितना ज़्यादा चांस और कितना बड़ा गोल्डन चांस है हमारे लिए अगर आपको YouTube चैनल खोलना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 10th के बाद क्यों खोलना चाहिए। 10th के बाद इसलिए खोलना चाहिए क्योंकि 10th के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लंबी छुट्टियाँ मिल जाती है, और अगर आपको अपना छुट्टियों का टाइम बर्बाद नहीं करके YouTube के ऊपर इन्वेस्ट करना है, अगर आप इंटरेस्टेड है YouTube के अंदर, आपको YouTube के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, तो सबसे बेस्ट चांस है आपके लिए YouTube चैनल क्रिएट करने का। अगर आप गाना अच्छा गा लेते हैं, आप अगर कॉमेडी अच्छी कर लेते हैं, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, कुकिंग अच्छी कर लेते हैं, कुछ भी आप अच्छा कर लेते हैं, अगर आपके पास एक हिडन टैलेंट है जो किसी में नहीं है, तो YouTube एक आज के जनरेशन में बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको एक सेलिब्रिटी बनना है, सिर्फ बॉलीवुड ही हमें सेलिब्रिटी नहीं बनाता, YouTube भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर हमें सेलिब्रिटी बनना है, और जो टैलेंट हमारे पास है वो अगर किसी के पास भी नहीं। यहाँ पे मैं कितनों का नाम लूँ, मेरे दिन कम पड़ जाएंगे, पूरा ये वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी अगर मैं हर एक का नाम लेने लगा। सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा मैं टेक्निकल गुरुजी का। दूसरे नंबर पे लेना चाहूँगा भुवन बामाज, कौन नहीं जानता इन लोगों को, अमित भडाना गेमिंग में, कैरी मिनेटी, इनको कौन नहीं जानता यार। आज ये जो भी बने यूट्यूब की वजह से ही बने, चाहे वो सबसे पहले था उनका हार्डवर्क और दूसरा था उनका लक अगर कम हो तो चलेगा, हार्डवर्क सबसे ज़्यादा करना पड़ता है यूट्यूब के ऊपर, ऐसे कोई वीडियो वायरल नहीं हो जाती, आपको उसके पीछे कुछ ना कुछ एक हार्डवर्क रहता ही रहता है, तो मेरा तो यही मानना है। और एक और आपको शानदार बात बता दूं, अगर आप 10th के बाद यूट्यूब चैनल खोल दें तो आगे आ जाता है 11th, जो कि बोर्ड्स नहीं है। अगर आपने 4 महीने की छुट्टियों में कम से कम 30 वीडियो डाल दिए और 30 में से अगर 5 वीडियो भी वायरल हो जाती है तो ये बहुत ज़बरदस्त है। आप अपने 11th में और
अच्छा ग्रो कर सकते हैं अपना चैनल। क्यों? क्योंकि अगर आपने कॉमर्स या आर्ट्स लिया है या पॉलिटेक्निक लिया है तो आपको इतना खास स्टडी का प्रेशर नहीं रहता खुद के ऊपर कि आपको 5-5, 6-6 घंटे पढ़ने रहते हैं जो साइंस वाले पढ़ते हैं, आपके पास इतना स्टडी का प्रेशर नहीं था। और अगर आप टेंथ के बाद कॉमर्स या आर्ट्स या पॉलिटेक्निक लेने वाले तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। अगर आपको कहीं ना कहीं से अपना इनकम का सोर्स चालू करना है तो जी हाँ, अगर आपको अपना इनकम का सोर्स चालू करना है तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। अगर आप टेंथ के बाद कॉमर्स आर्ट्स या पॉलिटेक्निक ले रहे हैं तो, अगर साइंस नहीं ले रहे हैं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है, कम से कम आप अपने 1-1.5 घंटा यूट्यूब को दे सकते हैं। जहाँ आप अगर सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई करते हैं और बहुत है 11th में 3 आवर्स पढ़ाई अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं भी 11th में हूँ और मैं भी अभी 16 साल के, ये मैं बात चाहता था यूट्यूब पे रिवेल जल्दी नहीं करूँ पर अब क्या करूँ, टॉपिक ही ऐसा है तो रिवेल करनी पड़ी। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल एक और ऐसी नई जानदार वीडियो में। आखिरी में बस इतना ही कहता हूँ, जय हिंद जय भारत।